तो हेलो गाइस, दिस इज विकास और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे दोबारा। गाइस आज हम लोग शिबा इनू की प्राइस एनालिसिस करके हम देखेंगे। और यहाँ पे देखो, शिबा इनू जो है काफी टाइम से डाउन चल रहा है। अगर आप प्राइस की बात करो, 24 घंटे में 0.42% है, कोई खास पंप नहीं दिखा रहा है। प्राइस जो है करीब 1050 और 1026 सीरीज के अंदर ही घूमे जा रहा है गाइस यहाँ पे डॉलर की। तो गाइस काफी यहाँ पे कोई भरोसा नहीं गाइस यहाँ पे यार, आपको जहाँ पे 4-0 है यहाँ पे कहीं 5-0 देखने को ना मिल जाए। और एक चीज और नोटिस करोगे आप, सॉरी, मार्केट कैपिटल 6.6 बिलियन की, बट यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो है 104 मिलियन डॉलर के आसपास। ठीक है, तो वॉल्यूम में भी थोड़ी आपको गिरावट गिरावट देखने को मिलती है। सप्लाई होगी वही है, पर सप्लाई अभी भी बहुत ज्यादा है, पर सप्लाई मुझे लगता है कि शिबारियम आने के बाद काफी लो हो जाएगी। तो अभी देखो यहाँ पे, देखो मैं आपको, अगर यहाँ पे देखो ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम इसका चार्ट देखें तो ये आप देख सकते हो गाइस, ये देखो आप, है ना, यहाँ पे देखो ये जो चार्ट है ना, देखो इसी के अंदर घूमे जा रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर ये कोई ब्रेकआउट लेता है, अगर देखो ये लेवल है, अगर यहां से अगर ये ब्रेकआउट लेता है, अगर इसको ये देखो यहाँ पे टच करता है, इस रेजिस्टेंस को टच करते यहाँ से प्राइस वापस डाउन की तरफ चले जाता है। ठीक है, और यहाँ नीचे इसको सपोर्ट ले रहा है, तो अभी इसी बॉक्स के अंदर सब प्राइस घूम रहा है, तो यहाँ पे वापस सपोर्ट लेगा, प्राइस वापस थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है गाइस। और यहां से अगर ठीक है, अगर यहां से अगर प्राइस ब्रेक करता है, तो यहां से आपको प्राइस में अच्छा खासा बम देखने को मिलता है। अगर यहां ब्रेक करता है तो थोड़ा बहुत आपको नीचे जाके देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये जो दूसरा जो है ना, ये वाली जो लाइन है, ये आपको दूसरी यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो यहां से थोड़ा बहुत वापस लेके यहाँ जाता है, तो इधर वापस जा सकता है। तो अभी प्राइस में आपको पंप देखने को नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको थोड़ा बहुत पंप देखने को मिल सकता है। ठीक है, और जो पंप है गाइस यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये वाली चीज दिख रही है आपको, ये वाला जो लेवल दिख रहा है, जो सबसे ऊपर वाला जो लेवल है ना, मैं आपको दिखाता हूं एक मिनट को। ये देखो, ये जो लेवल है ना, सबसे ऊपर वाला लेवल, ठीक है, ये जो लेवल है यहां पे, अगर वापस इस लेवल तक जाएगा गाइस प्राइस, फिर वापस नीचे आ जाता है यहां से, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पे इस लेवल पे भी। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा प्राइस में थोड़ी दिक्कत आ रही है गाइस। तो अभी देखो, इस प्राइस जो इसी रेजिस्टेंस सपोर्ट इस बॉक्स के अंदर ही गाइस यहाँ पे प्राइस घूम रहा है ऊपर नीचे। और यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया, अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, वरना तो यहाँ पे मुश्किल है। और यहाँ पे गए थोड़ा बहुत नीचे प्राइस आ सकता है। तो अभी तो मुझे लगता नहीं कोई खास पंप आने वाला, देखते हैं यहाँ पे कब इसको ब्रेक करता है, थोड़ा प्राइस थोड़ा बहुत पंप होता है। बट जब तक ये वाला जो लेवल है ना, मैंने आपको जो बताया है, ये वाला लेवल, जब तक यहाँ पे इस रेस्टोरेंट को ब्रोक करके ऊपर नहीं जाता, तो प्राइस में आपको पंप देखने को जब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि काफी टाइम से प्राइस इसी रेंज में घूम रहा है। ठीक है, तो गाइस ये तो एनालिसिस था थोड़ा बहुत मेरा, बाकी आपका एनालिसिस क्या आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं गाइस। और अब जो आपको मैंने बताया दिया, वॉल्यूम पहले से बहुत कम हो गया, 104 मिलियन का हो गया है। तो हालांकि मार्केट थोड़ा बहुत मतलब काफी ऊपर नीचे चल रहा है क्रिप्टो का, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है गाइस। और यहाँ पे काफी थोड़ी बहुत वेल्स ने अपने कॉइन्स थे थोड़े बेच भी दिए थे गाइस बीच में, है ना, 1.4 ट्रिलियन शिप भी किसी ने बेचे हैं, तो गाइस सही फर्क पड़ता है प्राइस के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैंने ट्विटर पर डाला हुआ है, शिबा इनू इज डाइंग, ठीक है, इट्स टाइम टू सेल लेटेस्ट न्यूज पैट प्रेडिक्शन। ठीक है, तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। तो यहाँ पे आप देखते हो यार, जो शिबा इनू जो है ना, वो एक स्लीपिंग जेंट की तरह है, मतलब एक स्लीपिंग कुत्ता है, यहाँ पे कभी भी सो रहा है। और जैसे शिबारियम रिलीज होगी, बर्निंग होगी, ब्लॉकचेन आएगी, काफी आएंगे प्रोजेक्ट आएंगे, तो यहाँ पे आपको दोबारा पंप देखने को उसके अंदर मिलेगा। क्योंकि यार वो इसलिए मिलेगा क्योंकि यार इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है गाइस, यहाँ पे लोग उसको सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं शिप को। और यार बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे सब कुछ है, अभी तो और आगे जाना है यार, अभी जीरोस की पड़ी है, आराम से ये कम से कम 0.01 डॉलर, 0.10 डॉलर तक जा सकता है, बर्निंग अगर प्रॉपर तरीके से होती है तो गाइस। ठीक है, तो ये सारी अपडेट है शिबा इनू कॉइन को लेके गाइस, आपको सबको पता ही है यहाँ पे यार। तो ना ठीक है, व्हेन पीपल आस्क मी व्हाई इज शिप डाउन, आई शो देम 1 ईयर गेन इज 52 मिलियन%, व्हाई आर यू अपसेट। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई पंप नहीं आया, सडनली एक पंप आया, बहुत अच्छा, कितना अच्छा खासा पंप दिया ऐसे। तो ये लोग बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये कभी भी आपको दोबारा पंप दे सकता है। और यहाँ पे देखो, ये शिप जो है, सो रीजन व्हाई शिप इज डाउन बिकॉज इट्स स्लीपिंग। ठीक है, जैसे जगेगा एकदम से पंप होगा, ठीक है, लोगों का ये मानना है। तो गाइस अच्छा है कॉइन है। और यहाँ पे देखो, शिबा इनू लीडर से शिबारियम इज कमिंग बिफोर में, हो सकता है कि आपको शिबारियम बिफोर में इससे कम मिले। पर गाइस ये यहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट है, बस को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये भी लिखा है, यहाँ पे कोई फिक्स डेट नहीं दी गई शिबारियम बीटा जो कब लॉन्च होगी, मेन जो मेन नेट पे कब आएगी, ये तो कुछ नहीं कह सकते गाइस। और यहाँ पे जो बोन जो है, नए नए कॉइन लिस्टिंग करता रहता है, यहाँ पे डीप कॉइन पे भी जो बोन है लिस्ट हुआ है, न्यू लिस्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे बोन है, काफी जगह लिस्ट हो रहा है गाइस, देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या होता है। तो ये अपडेट थी शिबा इनू कॉइन को और प्राइस को लेके गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज विकास।